हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अमेजिंग किचन टिप्स जो आपकी लाइफ को बहुत ही इजी बना देंगे। तो चलते हैं अपनी पहली टिप्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमको इंस्टेंट जूस बनाना होता है जैसे एक या दो जनों के लिए, और जूसर निकालने का हमें बहुत ही झंझट लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गहरा बाउल ले लेंगे और उसके ऊपर एक गिलास को मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है और दो तीन फ्रेश किन्नुओं को मैंने वॉश करके बीच से कट कर लिया है। और अब गिलास के कॉर्नर पर कटी हुई साइड किन्नू की रख कर राउंड राउंड घुमाते हुए दबाते हुए सारा जूस निकाल लेंगे, सारे पल्प्स को दबाते हुए निचोड़ लेंगे। तो सेम इसी तरह से आप संतरे का जूस भी निकाल सकते हैं, गिलास के कॉर्नर से इस तरह से रब करते हुए और सारे जूस और पल्प्स हम निचोड़ लेंगे। तो अब इसी तरह से दो तीन किन्नुओं को गिलास के कॉर्नर में रगड़ते हुए घुमाते हुए हमने इनका जूस निकाल लिया है। अब इनको मैं एक छलनी की हेल्प से छान लूँगी ताकि सारे सीड्स और पल्प्स के रेसे निकल जाएँ। तो आप देख सकते हैं एक गिलास फ्रेश जूस हमारा बनकर रेडी है। तो चलते हैं अब सेकंड टिप्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में फ्रूट या वेजिटेबल अक्सर कटी हुई बच जाती हैं, जैसे हमें आधा ही यूज़ करना है और आधा हम बाद में यूज़ करना चाहते हैं, तो उस पर जम्स या बैक्टीरिया ना लगें। तो उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फॉइल पेपर ले लेंगे और जो कटी हुई वेजिटेबल और फ्रूट हमें यूज़ करना है उसे हम यूज़ कर लेंगे, और जो हमें कुछ देर बाद में यूज़ करना है तो उसको हम एक फॉइल पेपर में इस तरह से बीच में सेंटर में रखकर चारों तरफ से इसे लपेट लेंगे और अच्छे से फॉइल पेपर से इसे रैप कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रूट और वेजिटेबल को फॉइल पेपर के बीच में रखकर फॉइल पेपर को चारों तरफ से अच्छे से हम कवर करके इसे पैक कर लेंगे और इसको हम आराम से 4 से 5 घंटे बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अब हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। तो 5-6 घंटे बाद जब भी आप इनको फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो ये आपको ऐसे ही फ्रेश मिलेंगे और बिल्कुल भी जर्म्स और बैक्टीरिया इन पर नहीं लगेंगे। तो चलते हैं अब अपनी सेकंड टिप्स की तरफ। तो ये मैंने कुछ हरी मिर्ची और नींबू ले लिए हैं। अक्सर हमारे घर में क्या होता है कि नींबू और हरी मिर्ची हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं और इनको हम ऐसे ही फ्रिज में नहीं छोड़ सकते, वरना ये ख़राब होने लगते हैं। तो इसके लिए हम एक टाइट कंटेनर बॉक्स ले लेंगे, इस तरह का टिफ़िन आप ले सकते हैं, और ये अच्छे से ड्राई होना चाहिए। और सभी हरी मिर्ची और नींबू को हम इस तरह के एक टाइट कंटेनर बॉक्स में डाल देंगे, और आप चाहें तो हरी मिर्ची और नींबू को एक साथ भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो अलग अलग बॉक्सेस में भी इनको स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी हरी मिर्ची और सारी लेमन को बॉक्स के अंदर डाल दिया है, और अब इसको हम ऊपर से ढक्कन से कवर कर लेंगे और अब हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर। तो इस तरह से भी आप अपनी नींबू और मिर्ची को स्टोर करके रख सकते हैं जब आपको निकालना हो, तो ये आपको एकदम ऐसे ही फ्रेश मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, जैसे हम नींबू और मिर्ची को स्टोर करते हैं, इसी तरह से हमारे पास धनिया और पुदीना भी होता है जो कि बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि धनिया और पुदीना के जो बंच है उसको हम इस तरह से एक टिश्यू पेपर में रैप कर लेंगे और इस तरह से अच्छे से लपेट लेंगे। तो अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं और अच्छे से हम इन्हें चारों तरफ से कवर करके पैक कर लेंगे। तो ये देखिए, पहला पुदीना का बंच मैंने अच्छे से चारों तरफ से लपेट लिया है, और सेम इसी तरह से हम धनिया को भी अच्छे से रैप कर लेंगे। और अब ये रैप किए हुए धनिया पुदीना को भी हम एक टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हम इनको डायरेक्टली ऐसे ही क्यों नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि धनिया पुदीना बहुत ही जल्दी सूखने लगता है। तो इस तरह से अगर हम उनको कवर करके रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे और एकदम फ्रेश हमें मिलेंगे। तो इस तरह से धनिया पुदीना के बंच को न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर में अच्छे से लपेटने के बाद फिर हम इसको एक टाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि ये 10 से 15 दिन तक भी जब हम इसको निकालेंगे तो ये हमें ऐसे ही फ्रेश मिलेगा। तो ये देखिए, इस तरह से लपेटने के बाद हम इनको एक टाइट कंटेनर बॉक्स में रख देंगे और अब ऊपर से ढक्कन लगाकर इनको फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे। और जब आपको जितना यूज़ करना हो, धनिया पुदीना या हरी मिर्च या लेमन, आप उतना निकाल कर फिर से इसे सेम तरीके से पैक कर फ्रिज में रख दीजिए और आपको ये 10 से 15 दिन तक आराम से एकदम फ्रेश ही मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में क्या होता है कि चीनी और नमक में मॉइस्चर आ जाता है, बरसातों के टाइम पर तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक टिश्यू पेपर ले लेंगे और इस पे 1 से 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे चावल, और अब इस चावल को हम चारों तरफ से इस तरह से पोटली बना लेंगे और ऊपर से रबड़ से हम इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और इसको डालेंगे हम चीनी के डब्बे के अंदर। सेम इसी तरह से दूसरा टिश्यू पेपर भी मैंने ले लिया है, उस पर 2 टेबल स्पून चावल हम डाल देंगे और इसकी भी एक पोटली टाइप बना लेंगे, ऊपर से रबड़ से हम इसे बांध देंगे और इस पोटली को भी हम डालेंगे नमक के अंदर। तो सेम इसी तरह से हम
चीनी के डब्बे का भी ढक्कन लगा लेंगे और अब हमको जितनी चीनी या नमक चाहिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चावल और टिश्यू पेपर दोनों ही पानी एब्जॉर्बिंग होते हैं, अब इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। सेम इसी तरह से छोटा जो हमारा डब्बा होता है नमक का, उसमें भी अक्सर बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है। तो ऊपर की तरफ कॉटन के कपड़े से पोंछकर इसमें भी हम कुछ चावल के दाने डाल देंगे और फिर ऊपर से इस डिब्बी का भी हम ढक्कन लगा लेंगे और इस तरह से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और अब आपको जितना नमक चाहिए आप इजीली उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि चावल एक्स्ट्रा पानी और नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो अब इसमें भी कभी भी आपकी नमी नहीं आएगी। तो अब चलते हैं अपनी अगली टिप्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे पास कुछ ऐसी दालें होती है जिन पर बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, और जैसे चने की दाल या छोले वगैरह जो हमारे पास होते हैं, या फिर जैसे दलिया भी हमारे पास होता है, तो इस तरह की चीज़ों में बहुत जल्दी कीड़ा लगने लगता है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 4 लौंग और 4 काली मिर्च के दाने हम ले लेंगे और इन दाल के ऊपर से हम इनको डाल देंगे। तो ये देखिए 4 लौंग और 4 काली मिर्च के दाने मैंने दोनों दालों के ऊपर डाल दिए हैं और अब इन दालों को हम लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, इनमें बिल्कुल भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो अब इनको हम ढक्कन से कवर कर लेंगे और अच्छे से इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और अब इन दालों को हम बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी टिप्स पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर मुझे सपोर्ट करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।